इंबती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव और कर्मचारियों के आंदोलन के चलते विश्वविद्यालय ने पुलिस प्रशासन से पीएससी की मांग की है। इस संबंध में गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा एसएसपी पौड़ी से बात भी की गई है। वहीं पीएससी की तैनाती को लेकर छात्रों ने विरोध जाहिर किया है। छात्रों का ये कहना है कि इसका विरोध किया जाएगा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुल सचिव अजय खंडूरी द्वारा बताया गया है कि पीएससी लगाए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन से बात की गई है। ऐसा छात्र संघ चुनाव और कर्मियों के आंदोलन को देखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी पीएससी तैनात रहती थी, फिर से तैनात करने को लेकर पुलिस प्रशासन से बात हुई है। वही पीएससी लगाए जाने को लेकर गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष अनमोल भंडारी ने कहा कि विश्वविद्यालय छात्रों की तुलना आतंकवादियों से कर रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में छात्र अपना विरोध जाहिर करेंगे। भगवान सिंह की श्रीनगर से रिपोर्ट। हमने अभी रिसेंटली जो है चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, जिसमें कि प्रोफेसर आर सी डिमली को जो है चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो उसी उपलक्ष्य में, जबकि अब जो है ये चुनाव की सरगर्मियाँ और साथ में ये कर्मचारियों द्वारा होने वाले आंदोलन के मद्देनज़र रखते हुए पीएससी पहले ही हमारे पास में है ऑलरेडी, उनको सिर्फ ये निवेदन किया गया है कि समय समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन में अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो अधिकारी है वो तो पहले तो अपने कमरों पर ताला मार के रखते थे, और अब तो ये बहुत ही शर्म का विषय है कि वो हमको आतंकवादी सोचते हैं, इसलिए उन्होंने प्रशासन का बल लगा दिया है हमें रोकने के लिए। ऐसा है, चाहे गढ़वाल विश्वविद्यालय कर्मचारी हो या छात्र हो, अगर उनको कुछ समस्या होगी तो एक अधिकारी से ही तो बात करने जाएंगे। शर्म आनी चाहिए उन तमाम अधिकारियों को जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है और जो प्रशासन का यूज़ करते हुए पीएससी वहाँ पे लगा दी है। हम कोई आतंकवादी नहीं है।